कृपया मेरे हैशटैग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था, लोगों ने मुझसे पूछा था आफ्टर कुमकुम आदि तेलम कि मेकअप से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाओ, या कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें, या बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ करें, या आप क्या यूज़ करते हो। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं एक कंपेरिजन वीडियो लेकर आई हूँ बिटवीन मेबलिन ड्रीम मैट मूज, ये आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी क्यूट सी पैकिंग है, एंड एक लैक्मे एब्सोल्यूट मूज। अब आप पूछेंगे कि ये दो मूज क्या होते हैं। मूज एक क्रीमी टाइप की कंसिस्टेंसी होती है, मेरी जो स्किन है वो लिटिल ऑयली है एक्चुअली। कभी कभी रात में हमारे जो टी जोन एरिया होता है वो ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं जनरली अपने फेस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती बिकॉज आई डोंट वांट ब्रेकआउट्स एनी एट ऑल एट माय स्किन। तो मैं कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करती जो मेरी स्किन को प्रॉब्लम करे। तो मैं एक ऐसे मूज के साथ आई हूँ जो कि टाइप ऑफ अ क्रीम होता है, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, एंड आप उसे ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं अपनी स्किन के साथ। मैं फाउंडेशन बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ, मैं मूज प्रेफर करती हूँ। बीबी क्रीम्स थोड़ी सी स्टिकी और केकी बना देती है, लेकिन मूज के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट ऑयली स्किन के लिए ये यू कैन से मिराकल और यू कैन से वरदान, ये एक ऐसा मूज काम आता है। इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है, जैसा आप देख सकते हैं ये एक लैक्मे एब्सोल्यूट है, ब्लैक कलर के बॉक्स में आता है एंड बहुत रेडली ईजिली अवेलेबल होता है। इसकी कॉस्ट 750 है। मैं इसे शायद 4 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, जब से ये लॉन्च हुआ है 4-5 ईयर्स से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, बट जब भी मेरे को पार्टीज़ में या कहीं भी जाना होता है तो मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ रादर देन कोई और चीज़ को, या फाउंडेशन को या किसी और चीज़ को, बिकॉज ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बिकॉज केकी लुक नहीं देता। आई डोंट वॉन्ट माई हैवीनेस ऑन माई स्किन, बिकॉज वो आपका फेस का वेट भी गेन करता है। अगर आप कोई फाउंडेशन अपनी स्किन पर लगाते हो तो उससे क्या होता है कि आपका एक स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो डबल हो जाती है, तो आपका जो चेहरा होता है कभी कभी फोटोग्राफ्स में चेहरा ना चबी चबी सा लगता है, वो इसी वजह से होता है बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा ये हैवी फाउंडेशंस लगा रखे होते हैं। और मैं प्रेफर नहीं करती, मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह के फाउंडेशंस प्रेफर करने चाहिए अपने अदर वीडियोस में। अभी हम इस पर बात करते हैं। ये जो लैक्मे एब्सोल्यूट मूज है, इसकी मार्केट में जो कॉस्ट है वो अराउंड 750 MRP है, एंड इस मेबलिन की भी कॉस्ट अराउंड 700 ही है। तो इन दोनों में बेस्ट क्या है मैं आपको बता दूँ कि ये नायका और अमेजोन में, नायका पे शायद ये 680 का है और अमेजोन पे ये 600 का है, तो आप इन दोनों में से कहीं भी खरीद सकते हैं, तो आपको अराउंड 150 rupees का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज़ अ गुड मार्जिन। वेराज सेम केस इसका भी है, ये भी आपको अराउंड 600 या 630 का मिलेगा नायका और अमेजोन पे। लिंक्स मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जब तक मैं आपको बता रही हूँ तो आप मेरे चैनल पर जा कर के हैशटैग इंग्लिश और हिंदी में लिखे हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना मैं किस तरह से और वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको भी लाइक करें। तो अब मैं बता रही थी ये जो एब्सोल्यूट मूज है, अब इन दोनों में से कौन सा बेटर होता है। ये ड्रीम मैट मेबलिन मूज है, ये दोनों अलग अलग शेड्स में आते हैं। 16 घंटे की इनकी कवरेज होती है, मींस ये 16 घंटे आपकी स्किन में स्टे करने की पावर रखते हैं। मैं इन दोनों में से, मेरे पास दोनों हैं, मैं जनरली एब्सोल्यूट यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने दोनों ट्राई किए हैं, बट मेबलिन की जो कंसिस्टेंसी है मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो ये लिटिल केकी लुक देता है, थोड़ा सा केकी लुक देता है। वेराज इसके साथ ये बिल्कुल नहीं होता, इट्स वेरी स्मूद ऑन द स्किन। मैं आपको स्वैचेस करके दिखाती हूँ, ये
इसमें तो ऐसे पता नहीं चल रहा है इतना, बट हाँ ये वाला ज़्यादा पता चल रहा है, ये बिल्कुल भी ब्लेंड हो गया है आप देख सकते हैं। तो हमेशा आपको शेड कैसे पहचानना है, आप एक कोई भी मूज लीजिए, उसको अपने इस एरिया में रखिए एंड अपनी स्किन टोन से मैच करने की कोशिश करिए। ये मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, आप मॉइस्चराइज़र के साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं इसकी बता रही थी, लेकिन मैं प्रेफर एब्सोल्यूट ही करती हूँ, आप जाइए एक बार एब्सोल्यूट भी ट्राई करिए तो आपको पता लग जाएगा कि इट्स वेरी वेरी वर्थ इट। इसके डिफरेंट शेड्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। मैं 01 आइवरी फेयर यूज़ करती हूँ एब्सोल्यूट में, एंड ड्रीम मैट में लाइट 2 से ही स्टार्टिंग होती है, मैं लाइट 2 यूज़ करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप मेरा कुमकुम आदि तेलम वाला वीडियो देखना ना भूलें। और आप सबको बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद कि आपने मेरे को, मेरे 100 सब्सक्राइबर यूट्यूब गैम रेडी हो गया है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आई हैव नॉट पुट अप एनी मेकअप बिकॉज आई एम यू नो रेजिस्टिंग these days, just back from the office. So, आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी सिंपल इन PJs rather than doing any hodgepodge. So, I hope you all love the video. So, till then, keep smiling, keep yourself healthy and sexy too. Bye, take care.